चौकी सामने उन दो महीने होने गुजारे हैं, उन लोगों को उठाया नहीं है। गांव के दबंगों ने आए दिन इन्हें धमकी देते हैं मारने की, या तो फैसला कर ले नहीं जान से मार देंगे। खुल्ला घूम रहे हैं, खुल्ला। बुलंदशहर भारतीय किसान महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने मंडी चौकी में चौकी प्रभारी के खिलाफ दिया धरना। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रभारी के साथ मारपीट के मामले को लेकर दिया धरना। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद नहीं की मारपीट करने वाले दबंगों की पुलिस ने की गिरफ्तारी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मंडी चौकी में दिया धरना। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंडी चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। क्या नाम है आपका और कौन से पद पर और कौन सी किसान यूनियन से आप हैं? मेरा नाम सुनील लोधी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से। हाँ, आप मंडी चौकी में आए हैं, क्या पूरा मामला है? आज हम मंडी चौकी इंचार्ज के खिलाफ, उनकी रणनीतियों के खिलाफ धरना देने आए हैं। हमारा ब्लॉक प्रभारी है सत्येंद्र सराय छबीला से। पहले उनके खिलाफ गांव के कुछ दबंगों ने उन पर हमला करा, वो गांव के आश्वासन पर छूट गए। दोबारा उनके परिवार के साथ हमला करा, जो 307 वगैरह सीओ सामने मुकदमे दर्ज करे तीन चार धाराओं में। मंडी चौकी सामने उन दो महीने होने गुजारे हैं, उन लोगों को उठाया नहीं है गांव के दबंगों ने। आए दिन इन्हें धमकी देते हैं मारने की, या तो फैसला कर ले नहीं जान से मार देंगे। खुल्ला घूम रहे हैं, खुल्ला। इस सरकार में अगर भ्रष्टाचार चलेगा तो इन चौकी इंचार्ज साहब को हटाया जावे। जो इन्होंने जेब गर्म करने का काम करा वो भारतीय किसान की महाशक्ति नहीं करने देगी। आंदोलन चलेगा, एसएसपी साहब ने हमें बुलवाया है, हम वहाँ जा रहे हैं। जो आश्वासन मिलता है ना, तो अगली रणनीति में भारतीय किसान की महाशक्ति अनिश्चितकालीन धरना देगी, उन गुंडों को जेल भिजवाया जावे। दूसरा, ये चौकी इंचार्ज साहब को यहाँ से हटा के कहीं ऐसी जगह भेजा जावे जहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चले।